हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। सच में ऐसी ये रेसिपी है कमाल की, बस वीडियो के एंड तक बने रहना। ये मेरे आंवले हैं, हरे भरे प्यारे से। और आंवले के फायदे बताने बैठ गई तो रात हो जाएगी, बट इसके फायदे कम नहीं होंगे, इतने सारे होते हैं बालों के लिए, आँखों के लिए। अब इन्हें अच्छे से साफ कर लेंगे और इनको अचार के रूप में खा सकते हैं, आंवला, और बढ़िया अच्छा सा हलवा बना सकते हैं, मुरब्बा बना सकते हैं, बहुत सारे रेसिपी भी ट्राई कर सकते हैं आप लोग। अब इन्हें बॉयल करेंगे, थोड़ा टाइम देंगे पकाने में। ये बॉयल हो गए हैं, अब लोहे के ताए पे भूनेंगे प्यारे से अपने मसाले हरे, है ना दोस्तों। अब इन्हें बढ़िया एक स्पून की मदद से बढ़िया इधर उधर चलाएंगे। कितनी प्यारी सी खुशबू, इसी में ऐड करेंगे खड़ी धनिया प्यारी सी। भाई खड़े मसाले तो बहुत कमाल के होते हैं, जिस रेसिपी में डालोगे बस चार चांद लग जाते हैं। अब इसी में ऐड करेंगे थोड़ी सी और धनिया, अगर आपको कम लग रही है तो। इसी में ऐड करेंगे इसी प्रोसेस सेम बढ़िया, ये क्या है दोस्तों, अब इन्हें भी ऐड कर देंगे। थोड़ी सी ऐड करेंगे लाल मिर्च सूखी हुई प्यारी सी और तेज पत्ते। अब अच्छे से इनकी भुनाई करेंगे, बहुत ज्यादा इन्हें नहीं रोस्ट करेंगे, हल्का ही रोस्ट करेंगे। इसी में ऐड करेंगे प्यारी सी कलौंजी, है ना दोस्तों, ये देखिए काली है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और तेज पत्ते का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है अचार में, अचार हो या फिर कुछ और बनाइए। इसी में ऐड करेंगे थोड़ी सी अजवाइन, अब इसे अच्छे से रोस्ट करेंगे, तड़कने देंगे। जब तक ये तड़क रहे तब तक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग इसे अपने दोस्तों और प्यारी सी फैमिली के साथ इसे शेयर कर दीजिए, जिससे जो लोग नहीं बना पाते वो भी लोग बना सकें मेरी प्यारी सी रेसिपी, है ना दोस्तों। देखिए ये अच्छे से कुक हो गए हैं, बढ़िया अच्छे से पक गए हैं, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। अब एक रखे हैं फ्राई दान, इसी में ऐड किए हैं थोड़ा सा सरसों का तेल, कम ज़्यादा आप लोग अपने तरीके से कर सकते हैं। अब इसे थोड़ा सा गर्म होने देंगे, हीट बहुत अच्छे से। अब ये गरम हो गया है ना दोस्तों, इसी में ऐड करेंगे इसी टाइम बढ़िया प्यारे से मसाले, हल्दी पाउडर, खड़े मसाले वही प्यारे से, सब चीज़ अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा साल्ट ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार, अब इसे मिक्स करेंगे। इसी में ऐड कर देंगे प्यारे से आंवले। सच में ये दोस्तों कमाल की रेसिपी है, बहुत अच्छी बनती है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, देखिए इसका कलर कितना प्यारा लग रहा है ना दोस्तों। अब इसमें अच्छा सा टेस्ट लाने के लिए थोड़ा सा ऐड करेंगे नींबू का रस, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा खट्टा खट्टा। अब इसे थोड़ा और टाइम देंगे पकाने में, क्योंकि ये तो पके पकाए हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी थोड़ा सा पकाएंगे। इसी में ऐड करेंगे ग्रीन चिली, हरी मिर्च, बढ़िया अच्छे से ये भी मिक्स कर देंगे। आंवले के साथ ये मिर्च बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी, और आंवले तो हेल्दी है ही हैं। देखिए कुछ ऐसे बन के रेडी है, देखिए दोस्तों कांच की अचारदानी है, आप लोग प्लास्टिक का डिब्बा भी ले सकते हैं। अब इसी में ऐड कर देंगे प्यारा सा अपना अचार, ये सच में बहुत टेस्टी होता है, हेल्दी भी बहुत अच्छा होता है आँखों के लिए और दांतों के लिए, बालों के लिए, और क्या क्या बताएं, बहुत सारे इसके फायदे होते हैं। आप लोग इसको ज़रूर बनाइए और अपनी प्यारी सी फैमिली के साथ इसे एंजॉय कीजिए। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। सच में ये चार बहुत मस्त बनता है, और छोटी छोटी सी मेरी ट्रिक्स और टिप्स फॉलो करोगे ना तो आपका भी अचार ऐसे बन सकता है, और आप लोग इसे सालों साल तक स्टोर करके रख सकते हो, ये कभी ख़राब नहीं होता है।
है ना दोस्तों। मेरी रेसिपी आप लोगों को अगर जरा पसंद आ रही है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरी नानी की रेसिपी है ये। भाई नानी तो अब है नहीं, आप लोग रेसिपी को दबा के लाइक करिए, है ना दोस्तों। हमेशा की तरह सिर्फ तीन चीज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।